नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है करनाल की, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा की जा रही 3 दिवसीय हड़ताल के चलते आज करनाल के नगर निगम में कर्मचारी सारे कामकाज छोड़कर हड़ताल में शामिल होते दिखाई दिए। यहां हम आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में 3 दिन की हड़ताल पर है और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसी कड़ी में आज करनाल के नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के अलावा अन्य स्टाफ के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए, जिसके कारण नगर निगम के कार्यालय में कुर्सियां खाली दिखाई दी। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा जो वादे कर्मचारियों के साथ किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा जो सहूलियत कर्मचारियों को दी जानी चाहिए वह नहीं दी जा रही है, जिसके विरोध स्वरूप पूरा प्रदेश हड़ताल पर जाकर अपना रोष व्यक्त कर रहा है। करनाल में आज आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के नेताओं ने भी पहुंचकर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का पूरी तरह से समर्थन दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की मांग पूरी ना किए जाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उसके बाद बोली, सर मैं हूँ बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन से जो CIT से संबंधित है और सहयोगी अस्सर कर्मचारी संघ जिला की सचिव हूँ। आज मैं नगर पालिका के साथियों का समर्थन करने आई हूँ, क्योंकि हमारा जो जितना भी कर्मचारी विभाग है, चाहे कच्चे हैं चाहे पक्के हैं, सभी 5 साल हो गए रोड पे हैं। इस सरकार जो यह वादे करके आई थी सरकार, अब भाई सबसे पहला इसका एक ही वादा था कि मैं पहली कलम से सभी कर्मचारियों को पक्का करूंगा, समान काम का समान वेतन दूंगा और पंजाब के समान वेतन करूंगा। ये सभी बातें लेके आई, मतलब एक कर्मचारियों में भी एक बहुत मतलब एक जोश आ गया था कि कोई ना कोई तो सरकार हमारी सुनने के लिए आई और पूरे समर्थन से इनको पूर्ण बहुमत से BJP सरकार को बना दिया। लेकिन अब सरकार की जो नीतियां हैं वो पूंजीपतियों के तो उसमें है, बाकी कर्मचारियों के और आम पब्लिक के, जैसे मजदूर है चाहे किसान है कर्मचारी है, सभी के विरोध में है। मैं इस मंच के माध्यम से BJP सरकार को ये कहना चाहती हूँ, खट्टर सरकार को, या तो कर्मचारियों की सुन ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह हम एक नारा लगा कर जो हमसे टकराएगा खाली पिप्पी जाएगा, हम खाली पिप्पी भी कर जाना है। और एक और मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि आज सरकार बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करवा के देख ले, वोट डलवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं निकला ना, सब पता लग जाएगा BJP सरकार के कितने क्षेत्र। तो आगामी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी यूनियन की? हमारी रणनीति ये है, हमारी जो भी स्टेट से कॉल होगी, जो भी ऑल इंडिया फेडरेशन से हमारी कॉल होगी, हम उसी हिसाब से आगे काम करते रहेंगे। हाँ जी, बोलिए आज के कार्यक्रम के बारे में। नगर पालिका कर्मचारी संघ की पूरे प्रदेश की हड़ताल, जो 3 दिवसीय हड़ताल का जो ऐलान हुआ, आज उसका दूसरा दिन है और तमाम कर्मचारी, चाहे वो पक्का कर्मचारी है, रोल का कर्मचारी है, वो ठेका का कर्मचारी, तमाम कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। और जो 24 मई का जो समझौता पिछले साल जो सरकार ने किया है 2018 में, उसको लागू कराने के लिए सरकार ठेका प्रथा बंद करके कर्मचारियों को रोल पर करे, क्योंकि ठेकेदार इतना शोषण करता है हमारे कर्मचारियों का, हमारे समाज का। अगर एक कर्मचारी एक दिन की छुट्टी जाता है तो वो 2 दिन के पैसे काट लेता है, कोई रेस्ट नहीं देता बीच में। हर मजदूर को एक अधिकार है हफ्ते में एक रेस्ट करने का, कोई रेस्ट नहीं करता। और इसमें पूरे प्रदेश में करीब 200 करोड़ रुपए का जो घपला किया है, उसमें ठेकेदार और कहीं ना कहीं अधिकारी भी मिली भगत है। नगर पालिका कर्मचारी संघ मांग करता है कि इन ठेकेदार द्वारा, विजिलेंस द्वारा, ठेकेदारों की और अधिकारियों की विजिलेंस द्वारा जांच की जाए और दोषियों को सजा दे। नगर पालिका कर्मचारी संघ जब तक हड़ताल समापन नहीं करेगा, जब तक कोई फैसला नहीं होगा। आज ऑफिस में खाली पड़ी हैं कुर्सियां, तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, चाहे वो ऑफिस का भी कर्मचारी है, वो सारे नगर पालिका कर्मचारी संघ से जुड़े हैं। और सर्व कर्मचारी संघ ने भी ऐलान किया है, अगर नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथियों की बात नहीं मानी गई तो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भी ये ऐलान कर चुके हैं भाई, पूरे प्रदेश का, पूरे महकमों का कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा अगर इन साथियों की, इन कर्मचारियों की बात नहीं मानी गई, और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।